ललितपुर सदर अस्पताल में भर्ती ये दरोगा और सिपाही एक जांच के दौरान मारपीट का शिकार हुए हैं और इलाज के लिए यहाँ भर्ती कराए गए हैं। दरोगा संतराम और कांस्टेबल इमामुद्दीन ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के दैलवारा चौकी में तैनात हैं। ये लोग दैलवारा में एक खेत पर मेड़बंदी की जांच करने गए हुए थे, जिस पर कल्लू कुशवाहा से इनका विवाद हो गया। दरोगा का आरोप है कि कल्लू शराब के नशे में था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इन लोगों पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला बोल दिया और ये लोग गंभीर रूप से घायल होकर यहाँ पहुँच गए हैं। कल्लू भी गए थे तो कल्लू यार भाग गया था और फिर जब पुलिस लौट आई तो इसने जो है उंगलियों को काट के फेंक दिया। तो आज फिर जो उसको देखे तो बुलाए तो वो नहीं आया। शाम को गए तो घर में मौजूद था, तो उसे बुलाया तो दारू वारू पिए था। वो था मुकेश था, तुलसी था, तो एकदम चिल्ला कर गाली गलौज करने लगे और लाठी से या कुल्हाड़ी से मारपीट कर दी। किस किस को मारा? मुझे मारा और कांस्टेबल इमामुद्दीन को। घायल दरोगा और सिपाही की तहरीर पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ललितपुर से नितिन गिरी, News 75.in।